हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीनाज कुक हाउस। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इलादी पाव की रेसिपी। अगर आप ये रेसिपी प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आप बाजार जैसे बढ़िया पाव घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देखते हैं। पाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल में 1 कप जितना ल्यूक वार्म मिल्क लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जितनी शुगर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून जितनी ड्राई एक्टिव यीस्ट यूज़ की है। हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी यीस्ट प्रॉपरली एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 3 कप जितना ऑल पर्पस फ्लोर और मैदा ऐड किया है। अब मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर ऐड किया है। इससे ब्रेड बहुत अच्छी बनती है, बट ये ऑप्शनल है। अब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 1/4 कप जितना वार्म मिल्क थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसका सॉफ्ट डो बना लूंगी। अब मैं क्लीन सरफेस पे थोड़ा सा ड्राई फ्लोर डस्ट करके डो को अच्छी तरह से मसल लूंगी। अब मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना बटर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मसल लिया है। मैंने यहाँ पे डो को 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही मसल लिया है। ये मसलने की प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको अच्छी तरह से मसल मसल के बनाएंगे तो आपके पाव है वो अच्छी तरह से फ्लफी बनेंगे। अब मैंने यहाँ पे इसका एक बॉल बना के इसको एक बॉल में रख दिया है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा डो अच्छी तरह से प्रूफ हो चुका है। तो अब मैं इसको पंच करके 2 मिनट और ऐसे ही मसलूंगी। अब मैंने डो को इवन साइज के पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे स्मूथ बॉल बना के इसको ग्रीस की हुई पैन में रख दिया है। इसी तरह से मैंने सारे बॉल बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैंने सारे पाव को बटर से ग्रीस करके इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दिया है। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पाव थोड़े से फूल चुके हैं। तो अब मैं इसको बेक करने के लिए ओवन में रख दूंगी। यहाँ पे मैंने 360 फ़ारेनहाइट प्रीहीटेड ओवन में 25 मिनट के लिए पाव को बेक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पाव बहुत ही अच्छी तरह से बेक होके तैयार हो गए हैं। अब मैं इस पे थोड़ा सा और बटर लगा के इसको वेट टॉवल से कवर करके 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने दूंगी। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे पाव बन के तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बने हैं। तो
तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।